सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक्निकल ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट या फिर किसी ब्राउजर में जाके उसके पेज का PDF कैसे बना सकते हो, वही बहुत ही आसानी से। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी ब्राउजर में चले जाओ, क्रोम या फिर मोजिला, फायरफॉक्स, कोई सा भी। तो मैं क्रोम यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसमें जाता हूँ। अब यहाँ पे आप कोई सा भी अच्छी सी वेबसाइट खोल लें जिससे आप पढ़ते हो या फिर कुछ भी करते हो। तो मैं फेसबुक खोल लेता हूँ सिंपली आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फेसबुक जो मेरा पर्सनल अकाउंट है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली Ctrl+P करके इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ चुका है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह दिखेगा आपका प्रिंट कर होने के बाद। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ, आप इसको PDF में बदल सकते हो, PDF में, ठीक है। प्रिंट, आप कुछ सेकंड वेट कर लें आप। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है हमारा ऑप्शन जो था वो PDF बन के तैयार हो चुका है। तो अब सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डेस्कटॉप में मैं सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक और PDF ले लेता हूँ, ठीक है। आप इसको जूम करके भी ले सकते हो PDF, जैसा भी आपका मन हो। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, इसका भी कर देता हूँ मैं प्रिंट। तो वो भी प्रोसेस में लग चुका है, ठीक है। अब मैं आपको इसको ओपन कर दिखाता हूँ जो मैंने PDF कैप्चर किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने PDF कैप्चर किया था वो बिल्कुल हमारा जो होल पेज था उसका PDF बन के तैयार हो चुका है। जो हमारा दूसरा PDF था वो भी रेडी हो चुका है, उसको भी सेव कर लेता हूँ मैं। ये रहा हमारा दूसरा PDF। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा पेज ही हमारा PDF बन चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ।